हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं सर रेहान से एक सवाल करना चाहूँगा, और वो सवाल ये है कि मोटिवेट कैसे रहा जाए। जैसे कि आज के हालात हैं तो हर तरफ नेगेटिविटी है और काफ़ी चीज़ें नेगेटिव हो रही हैं। हर दूसरे दिन कोई ना कोई बैड न्यूज़ आपको सुनने को मिलती है, तो इन हालात में आप किस तरह से पॉजिटिव रह सकते हैं और अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रख सकते हैं? शायद बहुत अच्छा सवाल है, और इसका जो जवाब मेरे नज़दीक है मैं आपको वही शेयर कर सकता हूँ जो मैं करता हूँ। मैं ख़बरें नहीं देखता, अखबार नहीं पढ़ता, और अपने चारों तरफ फेसबुक के ऐसे लोगों को जमा करके रखता हूँ जो कि पॉजिटिव। मेरे जो दोस्त हैं मैं उन्हीं को दोस्त बनाने की कोशिश करता हूँ जो कि पॉजिटिव लोग। अगर मैं बहुत डाउन हो जाता हूँ कभी, तो मैं बहुत ज़्यादा खबर किसी वक्त इत्तेफाक से टीवी देख लिया फॉर एग्ज़ाम्पल, तो मैं बिल्कुल डिप्रेस हो जाता हूँ। तो मैं फिर ऐसे लोगों के पास जाके, फातिमा सुरिया वजह के पास अक्सर चला जाता हूँ आजकल तो, और उनके पास घंटा गुजारता हूँ, उनसे चाय भी लेता हूँ। उनकी मोहब्बत है कि वो मुझको एक्सेप्ट कर लेती हैं, वहाँ बिठा लेती हैं। आप अपनी ज़िंदगी में ऐसे लोगों को ले आइए जो कि मोटिवेटेड हों और जो कि डिप्रेस ना हों। और एक आसान तरीका जो है आजकल के दौर में टेक्नोलॉजी अगर आप यूज़ करते हैं, फेसबुक अगर आप यूज़ करते हैं, तो अपने चारों तरफ मोटिवेटेड लोगों को, अच्छे लोगों को जमा कर लें। उनकी लिस्ट आपको बहुत सारों की मिल जाएगी। अगर आप बेहतर समझें तो मेरे सब्सक्राइबर्स जो हैं, इनको मैंने सब्सक्राइब किया है, उनको आगे सब्सक्राइब कर लें। तो जब आपके चारों तरफ खबरें अच्छी होंगी तो आप भी अच्छा फील करेंगे, लेकिन आपके चारों तरफ खबरें ख़राब होंगी तो आप बुरा फील करेंगे। तो अगर आपके चारों तरफ कभी भी नेगेटिविटी, उसको इग्नोर कर दें, क्योंकि हर नेगेटिविटी थोड़ी देर के लिए होती है। कोई भी चीज़ हमेशा नहीं रहती। कोई दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, टांग में दर्द हो रहा है, हमेशा तो नहीं रहेगा ना, थोड़ी देर में चला जाएगा। तो रोने पीटने से क्या फ़ायदा होगा उसको? कोई आपके साथ हादसा पेश आ गया, आप सुबह से शाम तक आप अगले साल तक हादसे के लिए गाने गाते रहेंगे, मेरे साथ ये हो गया था, तो आप फियर बैठा रहे हैं लोगों के दिमाग। किसी ने बहुत अच्छा समझाया था कि आप आज में रहने की कोशिश करें, ना पास्ट में रहें ना फ्यूचर में रहें, अपने कॉन्शियस के अंदर रहने, आज के अंदर रहने की कोशिश करें, अपने कॉन्शियस माइंड में रहने की कोशिश करें, ना गुस्से में रहें ना किसी इमोशन को इन्वॉल्व करते हुए रखें। पास्ट आपको फ्यूचर से डरा रहा है कि मेरा मोबाइल चोरी हो गया था आज से 4 साल पहले, मैं यहाँ जा रहा था, फिर चोरी ना हो जाए, मैं मोबाइल नहीं रखता। यार ये तो अपनी ज़िंदगी को बेवकूफाना किस्म से गुजारने वाली बात नहीं कि हम वो उस चीज़ से डर रहे हैं जो हुई भी नहीं है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन और खुदा और ये बहुत ज़्यादा इस पर फिक्स करता है कि जब आप किसी से डरना शुरू हो जाते हैं ना, वो हो जाती है आपके साथ। इसलिए उस चीज़ से डरे ही नहीं जो हुई नहीं है, जो नहीं हुई है उसको मुंह से क्यों निकालते हैं? हर मुसलमान का ईमान है कि हर रोज़ एक कबूलियत का टाइम होता है। क्या पता आपने जब उस वक्त मुँह से ख़राब बात निकाली, वो कबूलियत का टाइम और पूरा हो जाए ख्वाहिश आपकी। तो ऐसी मुँह से बात ना निकालें जो कि नेगेटिव हो, जो कि ख़राब हो, जिससे किसी की दिल आज़ारी हो, जिससे किसी का दिल दुखे, ऐसी चीज़ को अवॉइड कर लें। और अपने चारों तरफ अच्छे लोगों को जमा करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली अच्छे होने की कोशिश करेंगे कि भैया देखो मैं अच्छे लोग। अगर आपने चारों तरफ ख़राब लोगों को जमा करके रखेंगे तो आप भी उन जैसे होने की पाएंगे। और फेसबुक के ऊपर कम से कम मैं ऐसे लोगों को ज़रूर ऐड करता हूँ जिनसे मेरा इख्तलाफ होता है। अक्सर लोग क्या करते हैं कि जिनसे आपको इख्तलाफ होता है ना, आप उनको बिल्कुल ही अवॉइड कर देते हैं। उनको अवॉइड नहीं करना चाहिए, वो आपको कुछ सिखा रहे हैं ज़िंदगी में। अगर आप दिख सिखा रहे हैं कि ये मुझे ऐसा नहीं बनना, तो आप उनको से बिल्कुल दूर ही ना हो। फिज़िकल वर्ल्ड में तो मैं नहीं चाहूँगा कि उनके पास बैठूँगा, ऐसा ना गोली मार दे भाई, लेकिन वर्चुअल वर्ल्ड में कम से कम मैं फेसबुक के ऊपर ही गोली मारेगा ना, मार ले भाई। तो अगेन, आसान तरीका, अपने आप को नेगेटिव खबरों से दूर रखें। अगर बहुत इंपॉर्टेंट खबर होगी तो आप तक ढूंढते ढूंढते खुद पहुँच जाएगी। अगर आपको और आपके जाने का टाइम आ ही चुका है तो भाई आ ही जाएगा, कोई आपको रोक नहीं सकता। इसलिए ये जो चैनल हम देख रहे हैं ना सुबह से शाम तक, जिसको हमको डिप्रेशन में मुबतला करें, उनको आप चेंज कर दें। और कोई अच्छी डिस्कवरी चैनल देखें, हिस्ट्री चैनल देखें, बायोग्राफी चैनल देखें। नहीं आता तो अपने केबल वाले को फ़ोन करें, भाई मेरे पास बायोग्राफी चैनल क्यों नहीं आता, डिस्कवरी चैनल क्यों नहीं आता। इल्म हासिल करें, इल्म में इजाफ़ा करें। आज एक्स वाई जेड पॉलिटिशियन ने क्या बोला, उसके इल्म में इजाफा करने से आपकी सेहत पे क्या फ़र्क पड़ जाएगा? उन्होंने आपके लिए अब तक क्या ऐसा काम कर दिया जो आप कल वो कोई नया तीर मार देंगे?
क्या ऐसा इनकलाब आ जाएगा कल, तो आप उससे अवॉइड करें ज़्यादा अच्छा।